सो फाइनली इंडियन फुटबॉल टीम को उनका ग्रुप मिल चुका है फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स, जिसमें वो वर्ल्ड कप के लिए एंड 2027 एशियन कप के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं। बट क्या इंडिया को एक इजी ग्रुप मिला है? क्या इंडिया के चांसेस बढ़ चुके हैं राउंड 3 में जाने के लिए? वेल, ऐसा है कुछ आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। आज इंडिया को ग्रुप्स मिलने थे फॉर द एशियन गेम्स एंड फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026 एंड एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स, जिसमें हम अगर बात करें आज पहले फीफा वर्ल्ड कप का जो ग्रुप मिला है हमारे को क्वालिफायर्स का, उसमें हम फेस करने वाले हैं कतर को, कुवैत को एंड द विनर बिटवीन मंगोलिया एंड अफगानिस्तान, जो कि ऑफ कोर्स राउंड 1 से राउंड 2 में एक ही टीम आएगी अफगानिस्तान और मंगोलिया में से, बट वो यस ग्रुप ए में आएगी वो टीम एंड इंडिया इन तीन टीम्स को फेस करेगी। वेल, क्या ये एक इजी ग्रुप मिला है इंडिया को? सबसे पहले इस बात पे आते हैं। तो यस, आई थिंक इंडिया को एक इजी ग्रुप मिला है। वेल, कई लोग कहेंगे यार क्या बात कर रहे हैं, ग्रुप एच जो है वो ज्यादा इजी है क्योंकि वहां पे दो टीम्स आ रही हैं राउंड 1 से, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे AFC ने श्रीलंका की पार्टिसिपेशन भी अलाउड कर दी है। बट श्रीलंका पार्टिसिपेट करेगी नहीं करेगी वो एक अलग बात है, बट AFC ने उनका ड्रॉ निकाला है। तो कई लोग कह रहे हैं कि ग्रुप एच जो है वो काफी ज्यादा इजी है ग्रुप, क्योंकि दो टीम्स वहां से आएगी राउंड 1 में, तो जो ग्रुप ए है इंडिया वाला वो इजी नहीं है। वेल, जो मेरा क्राइटेरिया है इंडिया के ग्रुप को इजी कहने का वो यही है कि इंडिया ने पहले कतर के अगेंस्ट भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स निकाले हुए हैं, कुवैत के अगेंस्ट हमने अभी उनको हराया है तो एक अच्छी चीज है वो भी, और जो हमने अफगानिस्तान और मंगोलिया को भी हराया हुआ है रिसेंट टाइम्स में, मंगोलिया को तो अभी हमने इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भी हराया है, तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों चारों टीम्स है, अगर मैं अफगानिस्तान और मंगोलिया दोनों को ही ऐड कर लूं अगर मैं ग्रुप में फॉर अ मोमेंट, तो हमने इन तीनों चारों टीम्स के अगेंस्ट अच्छे परफॉर्मेंस निकाली हुई है पास्ट में, एंड वो पास्ट ऐसा पास्ट नहीं है कि 10 साल पहले हमने परफॉर्मेंस निकाली थी, 1-2 साल पहले 3 साल पहले ही हमने इन तीनों टीम्स के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंसेस निकाली हुई है। एंड कौन भूल सकता है वो गुरप्रीत सिंह संधू की मास्टर क्लास अगेंस्ट कतर, एंड ये कतर वो वाली कतर नहीं है जो फिलिक्स सैंचेज की कतर हुआ करती थी बिफोर द वर्ल्ड कप। जो रिजल्ट्स है कतर के वो टॉपसी टर्वी रिजल्ट्स निकल रहे हैं अब कतर के, ऑल दो यस अभी उन्होंने गोल्ड कप में मैक्सिको को हराया है, मैक्सिको वही कंट्री जो ऑलमोस्ट हर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करती है फीफा के, बट कहीं ना कहीं ये वो कतर की टीम नहीं है जो बहुत ही ज्यादा सॉलिड थी एंड वन ऑफ द बेस्ट एशियन टीम्स थी। अगर आप इस टाइम देखो तो एशिया में कतर नहीं है बेस्ट कहीं भी, साउथ कोरिया का नाम आता है, जापान का नाम आता है, उसमें ईरान का नाम आता है, बट कतर का नाम अब नहीं आता है क्योंकि उनके रिजल्ट्स में डिग्रेडेशन देखने को मिली है पिछले 1-2 साल में। तो कतर के अगेंस्ट दो मैचेस हमारे को खेलने को मिलेंगे होम एंड अवे पे, एक हमारे होम पे होगा एक उनके होम पे होगा कतर के, तो कहीं ना कहीं आई थिंक इस बारी इंडिया क्यों ना एक अपसेट कर दे, एंड आई थिंक ये इंडिया की टीम जिस रिदम में खेल रही है, जिस फ्लो में खेल रही है, जिस तरीके से हर एक चीज इस टीम की ठीक जा रही है बिल्कुल, एंड कोच की सुन के ये टीम चल रही है, तो आई थिंक कि 2019 में हमने ड्रॉ निकाला था एंड इस बार हम दो मैचेस में से कम एक में हम 3 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, या क्या पता कि हम दोनों के दोनों मैचेस में ड्रॉ निकाल लें, तो दो मैचेस में 2 पॉइंट्स भी अगर हमने निकाल लिए कतर के अगेंस्ट तो बहुत ही एक अच्छा ग्रुप हमारे लिए बन जाएगा ये। एंड अगर मैं कुवैत की बात करूं, यस कई लोग मान रहे हैं कि कुवैत की क्वालिटी काफी अच्छी है इंडिया से, एंड इंटरकॉन्टिनेंटल कप सॉरी सैफ चैंपियनशिप में भी उन्होंने दिखाई ये चीज, फैक्ट है ये बात कि कुवैत की जो टीम है वो क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया से ऊपर दिखी थी हमारे को सैफ चैंपियनशिप में, बट हमने उनको हराया था सैफ चैंपियनशिप में, चाहे हमने पेनल्टीज में हराया बट वो एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे को लेके चलना पड़ेगा कि हमने रिसेंटली ही हराया है कुवैत को, एंड कहीं ना कहीं हम अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाएंगे इन ऑपोजिशंस के अगेंस्ट, चाहे मैं कुवैत की बात करूं, कतर की बात करूं, अफगानिस्तान, मंगोलिया में से जो भी आएगा इनके अगेंस्ट भी, क्योंकि हमने पास्ट में इनको खेला हुआ है।
तो कहीं ना कहीं कुवैत के साथ भी यही फैक्टर एक जुड़ा रहेगा, बट लेट्स सी कि कैसे हम कुवैत को भी डील करते हैं। एंड जो हमारी लास्ट टीम हमने जिनको फेस करना है वो है ऑफ कोर्स मंगोलिया, अफगानिस्तान में से एक। एंड हमने देखा था कि कितनी अच्छी विन हमने दर्ज करी थी मंगोलिया के अगेंस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल कप में। तो कहीं ना कहीं ये ऑपोजिशन ऐसी है कि ये भी हमारी कमियां जानती है एंड हम भी इनकी कमियां जानते हैं, ये भी हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जानते हैं एंड हम भी इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जानते हैं। बट कहीं ना कहीं इंडिया के पास काफ़ी एक अच्छा चांस है कि टॉप टू में इस ग्रुप में अगर इंडिया की टीम जगह बना लेती है अपनी टॉप टू में, तो हम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगे फॉर द AFC एशियन कप 2027। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अल्टीमेट गोल है हमारा, कहीं ना कहीं हम के कंसेक्यूटिवली AFC के एशिया कप में भी हम बार बार क्वालिफाई होते रहे, जिससे कि स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट हमारी कंट्री में भी एंड स्पोर्ट्स का इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहे हमारे इंडिया में। एंड कहीं ना कहीं अगर हम टॉप टू में फिनिश करेंगे तो हम राउंड 3 में भी जाएंगे, जो कि एक हमारा एक और अल्टीमेट गोल अचीव होगा अगर हम टॉप 2 में इस ग्रुप में फिनिश करते हैं। बट क्या हम टॉप 2 में फिनिश कर पाएंगे इस ग्रुप में? वेल, आई थिंक यस, इंडिया के पास वो सारा असला बारूद है इस वक्त जिससे वो टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं। अगर इंडिया अपनी बेस्ट फुटबॉल खेले तो कोई कुवैत नहीं है उनके सामने, कोई अफगानिस्तान, कोई मंगोलिया, कोई कुछ नहीं है। जो थोड़ा बहुत डर है वो कतर का ही है, क्योंकि उनकी फॉर्म का कुछ पता नहीं होता, इतने वो अनप्रिडिक्टेबल टीम है इस वक्त कि वो आपको वो 4-0, 5-0 भी हरा सकती है एंड आपसे वो 1-0 हार भी सकती है। बट आई थिंक इट इज़ द बेस्ट ग्रुप फॉर इंडियन फुटबॉल टीम। हमारे को अपने ऑपोजिशन को जानने में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने इतने सारे मैचेस उनके अगेंस्ट ऑलरेडी पास्ट में खेले हुए हैं। बट क्या इगोर टीम मैच इस टीम को राउंड 3 में लेके जा पाएंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके कमेंट्स मेरे को इस वीडियो पे चाहिए, जितने हो सके अपनी क्लियरिटी दो मेरे को कि कैसा लगा ये ग्रुप आपको, कितने चांसेस आप देखते हो इंडिया के आगे जाने के, क्या इंडिया कतर को हरा पाएगी इस बार फाइनली, क्योंकि पिछली बार हमने ड्रॉ निकाल लिया था उनके अगेंस्ट। सब कुछ मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना। एंड यस, ये जो मैचेस हैं हमारे वो नवंबर से शुरू होंगे। नवंबर में हम इन 3 टीम्स के अगेंस्ट में से किसी 2 के अगेंस्ट फिक्स्चर्स खेलेंगे एंड बाकी के जो फिक्स्चर्स होंगे फिर वो मार्च में होंगे। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन।